एज आई प्रॉमिस्ड कि मैं आप लोगों के लिए ज़रूर एक कीवर्ड रिसर्च का प्रोजेक्ट लेकर आऊँगी, तो आज के इस वीडियो में हम किसी हाइपोथेटिकल प्रोजेक्ट पर एक कीवर्ड रिसर्च करने वाले हैं। तो वीडियो में मैं आपको दो तरीके बताने वाली हूँ, एक थोड़ा सा लंबा तरीका है, एक बहुत ही शॉर्टकट तरीका है। तो जो लॉन्गकट तरीका है उसमें मैंने सबसे पहले गूगल एडवर्ड्स का यूज़ लिया है और उसके बाद में मैंने यूज़ लिया है उबर सजेस्ट का। एंड जो शॉर्टकट तरीका है उसमें आप डायरेक्टली उबर सजेस्ट का यूज़ कर सकते हैं। सो वैसे सेमरश भी आपके पास एक टूल है पेड टूल्स में, लेकिन मैंने उबर सजेस्ट यूज़ किया है क्योंकि मुझे बेटर वो लगता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि आपको कौन सा टूल चूज़ करना है, बाकी ऑलमोस्ट सब में सेम ही फीचर होते हैं। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं और एंड तक वीडियो देखना, थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन क्योंकि पूरा मेरे को प्रोजेक्ट आपको करके दिखाना था तो इसलिए थोड़ी सी वीडियो लंबी बनी है, तो एंड तक बने रहना। ओके, हेलो एवरीवन, आई हरमीत वेलकम यू ऑल ऑन WsCubeTech चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक SEO के कीवर्ड रिसर्च का प्रोजेक्ट, ठीक है। क्योंकि देखिए बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, कीवर्ड के टाइप समझ चुके हैं, काफ़ी सारे टूल्स की इन्फॉर्मेशन ले चुके हैं, तो अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल कर लेते हैं और देखते हैं। एक प्रैक्टिकल मैं एक हाइपोथेटिकल प्रोजेक्ट ले रही हूँ जिस पर हम काम करेंगे और बिल्कुल जैसे स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊँगी कि कैसे हम कीवर्ड रिसर्च करते हैं SEO के लिए और फिर इन्हीं कीवर्ड्स को यूज़ करके हम अपनी वेबसाइट को ऑन पेज SEO करेंगे। तो जब ऑन पेज करेंगे तो उसके लिए अलग से मैं प्रोजेक्ट लेकर आऊँगी, लेकिन अभी मैं सिर्फ और सिर्फ आपको कीवर्ड्स वाला पार्ट बता रही हूँ कि कीवर्ड रिसर्च कैसे करनी है। देखिए कीवर्ड रिसर्च बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होती है क्योंकि इसी के बेसिस पर आपका पूरा ऑन पेज SEO होता है। तो अगर आपने कीवर्ड रिसर्च सही से नहीं की, सही कीवर्ड्स नहीं निकाले, अगर आपने गलत कीवर्ड्स निकाले तो आपका पूरा ऑन पेज SEO खराब हो जाता है और ऑन पेज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी SEO का। सो इसीलिए हम मेक श्योर करते हैं कि हमारी वेबसाइट की कीवर्ड रिसर्च पर ज्यादा टाइम लगे, अच्छे से फोकस करके हम अच्छे अच्छे कीवर्ड्स उसके लिए निकालें जिससे हमें अच्छी रीच मिले। तो यहां पर जो मैंने आपके लिए एक प्रोजेक्ट लिया है मैं आपको दिखा देती हूँ। ये मैंने एक थोड़ा हाइपोथेटिकल प्रोजेक्ट लिया है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइप की आप वैरायटी ऑफ प्रोजेक्ट्स पर ध्यान दें तभी आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो पाएगी। तो ये मैंने थोड़ा सा ऑफ द ट्रैक ये मैंने थोड़ा सा प्रोजेक्ट लेने की कोशिश की है। तो जैसे नॉर्मली बिजनेस टाइप है मेरा ऑफलाइन ट्रेड, यानी मेरे जो क्लाइंट हैं या फिर जिनके लिए मैं कीवर्ड रिसर्च कर रही हूँ वो ऑफलाइन ट्रेड में डील करते हैं, यानी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नहीं है, वेबसाइट है इसकी डेफिनेटली तभी हम SEO कर रहे हैं, लेकिन उनका जो ट्रेड होता है यानी डीलिंग वगैरह जो होती है वो ऑफलाइन ही होती है। उसके अलावा इनका जो प्रोडक्ट या फिर सर्विस टाइप है वो है सेकेंड हैंड कार्स, यानी जो यूज्ड कार्स होती हैं वो है। और लोकेशन अगर मैं बात करूं तो ये चाहते हैं कि पैन इंडिया यानी ऑल ओवर इंडिया में, ये पूरे पैन इंडिया में डील करते हैं, यानी तो ऑफकोर्स ये चाहेंगे कि ऑल ओवर इंडिया से इनकी SEO रैंकिंग अच्छी हो। तो यहाँ पर लोकेशन का हमें स्पेसिफिक ध्यान रखना है कि जैसे पहले मैंने जो आपको कीवर्ड्स कराए थे मोस्टली उनमें कोई सिटी एडेड था, यहाँ पर ऑल ओवर इंडिया यानी अब जो हमारा स्पैन है लोकेशन है वो बढ़ चुकी है। तो यहाँ के लिए हमें खास करके कुछ ज़्यादा ही फोकस करके हमें कीवर्ड रिसर्च करनी पड़ेगी। वेबसाइट जो है तो जैसे मैंने बोला हाइपोथेटिकल ये एक प्रोजेक्ट में ले रही हूँ, तो www.xyz.com इनकी वेबसाइट है, ठीक है, हम मान के चल रहे हैं। वैसे इसका कोई काम आएगा नहीं क्योंकि हम अभी कीवर्ड रिसर्च ही कर रहे हैं। सो ऑफलाइन ट्रेड है, सेकंड हैंड कार्स हैं और पैन इंडिया यानी ऑल ओवर इंडिया की लोकेशन हमें ध्यान में रखनी है, ठीक है। सो अब मैं ना आपको दो तरीके से कीवर्ड रिसर्च बताने वाली हूं, मतलब एक ही वीडियो में मैं आपको दो तरीके बताऊंगी। पहला तरीका होगा लॉन्ग कट, यानी जिसमें हम थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस होगा लेकिन आई एम अश्योरिंग यू कि इस तरह से कीवर्ड रिसर्च करने पर आपको 100% रिजल्ट मिलेंगे और काफी इफेक्टिव ये तरीका है। लेकिन मैं समझ सकती हूँ अगर आपकी वेबसाइट पर मान लीजिए 100 पेजेस हैं, 200 पेजेस हैं, 1000 पेजेस हैं, तो ऐसे में हम इतने हर पेज के लिए, हर वेब पेज के लिए इतना टाइम नहीं दे पाएंगे। तो इसीलिए मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका भी बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम लॉन्गकट तरीके की बात करेंगे, यानी थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है। इसमें पहले मैं हेल्प लूँगी गूगल एडवर्ड्स की, फिर मैं जाऊँगी पेड टूल की तरफ और फिर हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे और फिर हम फाइनलाइज करेंगे अपने कीवर्ड्स को। और जो शॉर्टकट तरीका है उसमें सीधा मैं पेड टूल की हेल्प लेने वाली हूँ और मोस्टली अभी तक आपने जो देखा होगा सुना होगा वो आपने शॉर्टकट तरीका ही सुना होगा। तो इसी वीडियो में मैं आपको दोनों तरीके बताने वाली हूँ, तो वीडियो को एंड तक बने रहिएगा, ठीक है। एक भी पार्ट मिस मत करना क्योंकि कंप्लीट प्रैक्टिकली मैं आपको करवाने वाली हूँ और अगर पॉसिबल हो तो साथ साथ मेरे साथ साथ कीवर्ड रिसर्च करो। कोई भी आप ये प्रोजेक्ट भी आप माइंड में रख सकते हो, नहीं तो आप कोई भी आप अपनी मर्जी का प्रोजेक्ट उठा सकते हो, ठीक है। चलिए फिर शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको तरीका बताया था, क्या तरीका था बताओ, याद करो। सबसे पहले क्या करते हैं कीवर्ड रिसर्च में, सबसे पहले हम करते हैं
हमारी ब्रेन स्ट्रोमिंग, यानी थोड़ा सा दिमाग लगा के सिर्फ और सिर्फ अपने ब्रेन का यूज करके, माइंड का यूज करके हम ये देखते हैं कि क्या इस पर्टिकुलर बिजनेस के लिए कीवर्ड्स निकल सकते हैं। ठीक है, सो मैं एक ही, मतलब मैं मान के चल रही हूँ कि एक ही वन पेज वेबसाइट है मेरे क्लाइंट की और इनके लिए मुझे कीवर्ड रिसर्च करनी है। ठीक है जी, सो सेकेंड हैंड कार्स हैं, पैन इंडिया में है, ऑफलाइन ट्रेड होता है। तो सबसे पहले तो एक एक्सेल शीट बना लेते हैं, ठीक है, फिर हम करते हैं ब्रेन स्ट्रोमिंग। तो भले एक्सेल शीट बना लो, गूगल शीट बना लो, मैं प्रेफर करती हूँ एक्सेल शीट। ठीक है, सो एक ब्लैंक मैंने यहाँ पर शीट ले ली है। ठीक है जी, अब यहाँ पर सबसे पहले तो हम दे देते हैं हमारा कीवर्ड। ठीक है, सो ये हमने लिख दिया कीवर्ड, कीवर्ड ले लिया है। कीवर्ड के बाद में हम यहाँ पर वॉल्यूम लिखेंगे, वॉल्यूम के बाद में हम लिखेंगे कॉम्पिटिशन। ठीक है, वैसे मैंने आपको बताया कि गूगल एडवर्ड की हेल्प लेने वाली हूँ, तो उसमें तो डेफिनेटली एक CSV फाइल डाउनलोड हो जाएगी, तो उसको मेरे को यहाँ पर सिंक करना रहेगा, एक्सपोर्ट करना रहेगा। ठीक है, ठीक है, एक बार ये हमने बना देते हैं। वैसे हम ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको बताया लॉन्गर तरीका भी करेंगे, तो उसमें मैं एडवर्ड्स की हेल्प लूँगी। ठीक है जी, अब थोड़ी सी ब्रेन स्ट्रोमिंग करते हैं। ठीक है, बिजनेस आपको समझ में आ गया, आप चलते हैं सीधा गूगल पर। ब्रेन स्ट्रोमिंग कैसे करेंगे? गूगल पर करेंगे। एक बार खुद से थोड़ा सा दिमाग लगा लेते हैं क्या हम सोच सकते हैं। देखिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि ये जो मेरा पर्टिकुलर बिजनेस है इसके लिए क्या-क्या कीवर्ड्स हो सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो सिंपली सेकंड हैंड कार्स, ठीक है, ये कीवर्ड हो सकता है। सेकंड हैंड कार्स को और क्या बोला जाता है? ठीक है, सोचिए, इनको बोला जाता है यूज्ड कार्स। ठीक है, अब सेकेंड हैंड कार्स, यूज्ड कार्स, लेकिन मेरी लोकेशन जो है वो इंडिया है, ऑल ओवर इंडिया है, तो मैं इसमें इंडिया भी वर्ड एक बार ऐड कर देती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर ना एक इम्पॉर्टेंट सवाल आता है कि जब मैं इंडिया के लिए कीवर्ड रिसर्च कर रही हूँ, तो इसमें जो मेजर सिटीज़ हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि दिस पर्टिकुलर सर्विस इन दिल्ली, तो वो दिल्ली तो इंडिया का पार्ट है, तो क्या हम दिल्ली ऐसे कीवर्ड्स को जिनमें दिल्ली वर्ड आया है क्या हम उनको कंसिडर करेंगे? देखिए, एक काम करते हैं, इसका जवाब ना मैं आपको वीडियो के बीच में ही दूंगी, तो वीडियो को एंड तक देखना, एक भी पार्ट मिस मत करना। ठीक है जी, सो सेकेंड हैंड कार्स इंडिया मैंने कर दिया, यूज कार्स कर दिया, और अपन क्या बोल सकते हैं सेकेंड हैंड कार्स को, वो अपन जैसे ब्रेन स्ट्रोमिंग करेंगे ना तब भी निकलाएगा। तो सेकेंड हैंड कार्स इंडिया, यूज्ड कार्स इन इंडिया, मैं एक बार ये कीवर्ड्स यहाँ पर लिख देती हूँ। ठीक है, सो ये तो मेरा एक मेन कीवर्ड हो गया। अब मैं इनके अंदर ना कुछ मॉडिफायर्स जोड़ूंगी। मॉडिफायर्स क्या होते हैं, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जैसे कुछ एक्स्ट्रा ऐसे वर्ड जो कि मेरे कीवर्ड को और एनहेंस करते हैं, जैसे कि बेस्ट सेकेंड हैंड कार्स वेबसाइट इन इंडिया, या फिर बेस्ट सेकेंड हैंड कार्स प्लेटफॉर्म इन इंडिया, बेस्ट वर्ड यूज़ कर लिया, उसके अलावा मैंने बाय वर्ड यूज़ कर लिया कि बाय सेकेंड हैंड कार्स इंडिया, इस तरह का मैं कीवर्ड डाल सकती हूँ। ठीक है, सो ये कुछ मेरे मॉडिफायर्स होंगे, और मॉडिफायर्स को मैं अपने जो मेन जो मेरा रूट कीवर्ड है उसके साथ में मैं ऐड कर दूंगी। ठीक है, सो ये देखिए, ये मेरे कुछ अभी कीवर्ड्स की जो यहाँ पर लिस्ट है वो बड़ी होती जाएगी। ठीक है जी, सो ये यूज कार के साथ भी मैं दोनों ही मॉडिफायर्स लगा देती हूँ। तो आप देखेंगे तो देखिए, अभी मेरे पास टोटल 6 कीवर्ड्स निकला है। कोई बात नहीं, अभी हम और ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे कि सेकेंड हैंड कार्स इंडिया, यूज कार्स इन इंडिया, एंड इन भी आप लगा सकते हैं, इन हटा के भी देख सकते हैं, बाय सेकेंड हैंड कार्स इंडिया, बेस्ट यूज कार्स इन इंडिया, बाय यूज कार्स इन इंडिया। ठीक है, सो अब मैं थोड़ा सा चलती हूँ गूगल की तरफ। तो गूगल के लिए मैं सबसे पहले इनकॉग्निटो मोड खोल रही हूँ, जिससे मेरी सर्च हिस्ट्री से या फिर कैसे भी कुछ भी इंस्पायर्ड ना हो मेरी लोकेशन से। सो मैं यहाँ पर सिंपल मैंने गूगल ओपन कर लिया है। अब हम यहाँ पर हमारा जो मेन कीवर्ड है वो यहाँ पर पुट करेंगे। ठीक है जी, सो सेकेंड हैंड कार्स इन इंडिया, इसको मैं कर लेती हूँ कॉपी और गूगल पर इसको करती हूँ सर्च। ठीक है जी, ये अब मैंने यहाँ पर सर्च किया ना, तो अब देखिए सबसे पहला तरीका जो सर्च बॉक्स है, मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ, सर्च बॉक्स के आगे बस अपना कर्सर रख के रखो और देखो कि सेकेंड हैंड कार्स इन दिल्ली आ रहा है, कार्स 24, तो ये तो हमारा डेफिनेटली एक नेविगेशनल कीवर्ड हो जाएगा। सेकेंड हैंड कार्स OLX, ये भी एक नेविगेशनल कीवर्ड है जिसमें ऑडियंस को पता है कि उसे इस पर्टिकुलर वेबसाइट पर जाना है। सेकेंड हैंड कार देखो भी एक वेबसाइट है, ब्रांड नेम है, तो अगेन ये नेविगेशनल की। यूज्ड कार्स फॉर सेल, ये मेरे को एक कीवर्ड मिल रहा है, और यहाँ पर बेसिकली मेरे को एक कीवर्ड नहीं बल्कि मुझे एक मॉडिफायर मिल चुका है, दैट इज फॉर सेल। ठीक है, सो जैसे यूज्ड कार फॉर सेल इन इंडिया, तो और उसके अलावा मैं यहाँ पर कर सकती हूँ सेकेंड हैंड कार्स फॉर सेल, मैं यहाँ पर सिर्फ ये अपना मॉडिफायर जोड़ दूंगी कि सेकेंड हैंड कार्स फॉर सेल इंडिया या फिर इन इंडिया। ठीक है, और देखते हैं क्या हमें कुछ आइडियाज मिल रहे हैं। सेकेंड हैंड कार्स इन दिल्ली, यूज कार्स इन दिल्ली NCR, यूज कार्स फॉर सेल, ठीक है ये मिल गया।
व्हाट इज द बेस्ट वेबसाइट। अभी यहाँ पर ना कुछ क्वेश्चंस भी आ रहे हैं कि व्हाट इज द बेस्ट वेबसाइट टू बाय यूज कार्ड, लेकिन मेरी वेबसाइट नहीं है, मेरा बिजनेस है, ठीक है। सो ठीक है, सेकंड का चीफ, ये सारी चीजें आ रही हैं। अब मैं इसी में ही, जैसे मैंने आपको कुछ आइडियाज बताए थे, जैसे मैं यहाँ पर लिख रही हूँ यूज्ड कार्स और मैंने लिखा इंडिया, ठीक है। मैं वापस जाऊंगी, मैं तो जूम कर देती हूँ तो आपको दिख जाएगा। वापस जाऊंगी, इस स्पेस को हटाऊंगी और यहाँ पर मैं लगाऊंगी अंडरस्कोर। तो अंडरस्कोर से क्या हुआ, ये जो मेरे पर्टिकुलर बीच वाले वर्ड्स थे ना, वो ओपन हो गए, जैसे यूज कार एप्स इंडिया, यूज कार प्राइस इन इंडिया। अब देखिए, यहाँ पर अगर कोई पर्सन प्राइस पूछ रहा है कि यूज कार प्राइस, तो कहीं ना कहीं मैं इसको एक कमर्शियल कीवर्ड की तरह कंसिडर कर सकती हूँ, और कमर्शियल कीवर्ड्स को डेफिनेटली हमें कंसिडर करना है, क्योंकि यहाँ पर हमारी ऑडियंस का जो इंटेंट है, यानी उसका जो इंटेंशन है, वो कुछ ना कुछ खरीदने का है। तो यूज कार प्राइस इन इंडिया को मैं एक बार कंसिडर कर सकती हूँ, ठीक है जी। तो ये मैं इसको कॉपी करके और मेरी जो शीट है उसको बस भरते जाना है, ठीक है जी। और देख लेते हैं और क्या मुझे दिखा रहा है, वापस चल लेते हैं हमारे बैक। ओके, सो यूज्ड कार एंड वापस मैं लिख देती हूँ यहाँ पर इंडिया, ठीक है। देखिए ये देखिए, मैंने यहाँ पर अगेन अंडरस्कोर लगा दिया, ऐप आ गई, प्राइस इन इंडिया आ गई, ऑनलाइन आ गया, यूज्ड कार्स फॉर सेल इन इंडिया, क्या ये मैंने कीवर्ड ले लिया है, देख लेते हैं। सो यूज्ड कार्स फॉर सेल इन इंडिया, डेफिनेटली मैं ये कीवर्ड ले चुकी हूँ, ठीक है। अभी तक देखिए, अभी तक हम सिर्फ ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं, अभी मैं किसी भी ऐप का यूज़ नहीं कर रही हूँ, किसी भी टूल का यूज़ नहीं कर रही हूँ, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अब इसी पे ही मैं स्क्रॉल डाउन करूँगी तो देखो यहाँ पर भी कुछ कीवर्ड्स मिल रहे हैं, जैसे कार वाले कार, देखो OLX, ये सारे नेविगेशनल कीवर्ड हो गए, बाय सेकेंड हैंड कार ऑनलाइन। सो ये जो है, ये तो मेरा ऑनलाइन वाला हो गया, तो ऑनलाइन मेरा बिजनेस है ही नहीं, मैं आपको बता चुकी हूँ, तो ये मैं इसको कंसिडर नहीं करूँगी, ठीक है जी। सो यहाँ पर मैंने कुछ आइडियाज़ दे दिए हैं, इसी तरह से थोड़ा सा और दिमाग लगाना है, मैं कुछ और भी यहाँ पर लिख देती हूँ, जैसे बाय यूज्ड कार्स इन इंडिया, ठीक है। सो अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करेंगे और जो और वेबसाइट्स हैं, ठीक है, उनको कंसिडर करोगे तो इन्होंने क्या कीवर्ड्स यूज किए हैं, इनका थोड़ा सा टाइटल देख लो, URL देख लो, टाइटल देख लो थोड़ा सा, कि सेकेंड हैंड कार्स इन इंडिया इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है, उसके अलावा यूज्ड कार्स ऑनलाइन है, ठीक है, यूज कार्स ऑनलाइन है, यूज कार्स फॉर सेल, ठीक है, सेकेंड हैंड कार्स फॉर सेल, क्या है, मैंने ये ले चुकी हूँ, देख लेते हैं। सेकेंड हैंड कार्स फॉर सेल ये मैंने नहीं लिया है, सेकेंड हैंड कार्स फॉर सेल, हाँ जी ये मैं ले चुकी हूँ, ठीक है, कीवर्ड। और देख लेते हैं क्या कुछ और आइडियाज मिल रहे हैं, ठीक है। सो व्हाट इज द बेस्ट यूज कार्स टू बाय इन इंडिया, वेबसाइट बेस्ट वे टू बाय यूज कार्स। अब जब आप अपने बेसिकली फॉरम्स लिखेंगे, जो अपने क्वेश्चंस आप क्रिएट करेंगे, उनके आंसर्स देखेंगे, ये हम ऑफ पेज में ज्यादा करेंगे। सो बेस्ट वे क्या है यूज कार्स को खरीदने का, तो वहां पर आप कैसे अपना वेबसाइट का सबमिशन करेंगे, वो सारी चीजें हम ऑफ पेज में करेंगे, ठीक है। सो ये उसके लिए एक बार मैं छोड़ देती हूँ, बट यहाँ से अगेन आप कुछ आइडियाज दे सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर मुझे अभी जो मैंने ब्रेनस्टॉर्मिंग की है उसके अकॉर्डिंग मुझे लगता है ठीक है, अब हम थोड़ा टूल की हेल्प लेते हैं, ठीक है। सो यहां पर मेरा जो फर्स्ट स्टेप है वो थोड़ा सा खत्म होता है, ठीक है, एंड जो ब्रेनस्टॉर्मिंग है वो हमने अच्छे से की। अब और थोड़ा आपको टाइम देना है, मुझे तो ये वीडियो क्रिएट करनी है, इसलिए मैं आपके लिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर रही हूँ, नहीं तो अगर हम अच्छे से किसी वेबसाइट की, और स्पेशली जो वन पेज की वेबसाइट होती है, उसमें हमें काफ़ी टाइम लगता है, एक दो दिन भी लग जाते हैं कई बार, ठीक है, पूरा पूरा दिन चला जाता है। तो अभी तो मैंने आपको 5 मिनट में जो भी ब्रेनस्टॉर्मिंग हो सकती थी वो मैंने आपको बताई, ठीक है। सो ये हमारी ब्रेनस्टॉर्मिंग खत्म हुई, अब हम चलते हैं टूल की तरफ। तो जैसे मैंने बताया कि मैं आपको लॉन्ग कट शॉर्ट कट दोनों ही तरीके बताने वाली हूँ, तो लॉन्ग कट बता रही हूँ, तो इसके लिए मैं एडवर्ड्स पर जा रही हूँ पहले। अगर आपको शॉर्टकट तरीका चाहिए तो आप यहाँ से वीडियो को स्किप कर सकते हैं और सीधा थोड़ा आगे जहाँ पर मैं पेड टूल की हेल्प लेने वाली हूँ, पेड टूल में उबर सजेस्ट की यूज लेने वाली हूँ यहाँ पर, तो वहाँ पर आप जा सकते हैं डायरेक्ट, इसके बाद में आप डायरेक्ट वहाँ पर जा सकते हैं। लेकिन अगर किसी को पूरा मेथड देखना है, क्योंकि आपको नहीं पता किस तरह का आपके पास प्रोडक्ट आता है, किस तरह का बिजनेस आता है, तो दोनों ही तरीके एक बार सीख लो, ठीक है। नहीं अगर शॉर्टकट तरीका देखना है तो स्किप कर सकते हो, थोड़ी सी आगे जा सकते हो मतलब वीडियो में, ठीक है। चलिए, सो अब मैं जाती हूँ गूगल एडवर्ड्स की तरफ। ये देखिए हम आ गए गूगल एडवर्ड्स की तरफ। यहाँ पर आपको टूल्स एंड सेटिंग्स, ये जो आपको दिख रहा है, यहाँ जाना है, क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में प्लानिंग पर जाएंगे, प्लानिंग पर जाएंगे कीवर्ड प्लानर पर, ठीक है। ऑलरेडी इसका पूरा ट्यूटोरियल मैं आपके लिए ला चुकी हूँ, नई वीडियो देखी डिस्क्रिप्शन से प्लेलिस्ट का लिंक उठा लो, प्लेलिस्ट में एक एक वीडियो है, एक भी वीडियो मिस हुई हो उसको दोबारा से देखो, ठीक है, क्योंकि एक भी चीज़ नहीं छोड़नी है यार, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, ठीक है, तो मेक श्योर कि आप एक भी चीज़ मिस ना करें, ठीक है जी। सो डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स, ये यहाँ पर हमें क्लिक करना है, क्लिक करेंगे, अब हम यहाँ पर हमारे जो रूट कीवर्ड्स हैं उनको पुट करना शुरू करेंगे, ठीक है। सो जैसे सेकेंड हैंड कार्स इंडिया, इसको मैं यहाँ पर कॉपी कर लेती हूँ और यहाँ पर मैं इसको सर्च कर लेती हूँ, ठीक है।
अब यहाँ पर ना कुछ चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए। देखिए मेरी जो लोकेशन है ना वो बहुत बड़ी है, यानी वास्ट है, ऑल ओवर इंडिया को हम कवर कर रहे हैं। इसी जगह अगर मैं एक सिटी की बात कर रही होती जैसे जोधपुर की या फिर सिर्फ दिल्ली की, तो ऐसी सिचुएशन में मैं जो कम वॉल्यूम वाले भी कीवर्ड्स हैं ना उनको भी कंसिडर कर लेती। लेकिन अभी मेरी लोकेशन बढ़ चुकी है तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप क्या डिफरेंस आया है कि यहाँ पर मुझे अगर किसी पर कम वॉल्यूम है ना तो उस पर मैं अपना टाइम अपने एफर्ट्स वेस्ट नहीं करूँगी। तो इसीलिए जब भी हम ये सर्च करेंगे सो मेक श्योर आपकी वॉल्यूम अच्छी खासी हो, क्योंकि ऐसे अगर हम एक एक कीवर्ड की एक एक बड़ी कम वॉल्यूम भी है जिनकी उनको भी हम फोकस करते रह जाएंगे तो ऐसे में हमें बहुत टाइम लग जाएगा और मुझे ऐसा लगता है सारा आपका जो टाइम बजट है, क्योंकि देखिए डिजिटल मार्केटिंग में जितना मनी इंपॉर्टेंट है ना उससे भी ज़्यादा टाइम इंपॉर्टेंट है, तो आपका जो टाइम बजट है ना वो आपका ख़त्म हो जाएगा। सो इसीलिए मेक श्योर कि आप जब भी आपकी लोकेशन वास्ट हो, अभी जैसे लोकेशन वास्ट है इसमें, सो ऐसे में हम क्या ध्यान रखेंगे कि हमारे जो कम वॉल्यूम वाले कीवर्ड्स हैं उनको हम इग्नोर करते हैं। ठीक है, अब हमें सबसे बड़ी चीज जो ध्यान रखनी है वो मैं पहले भी बता चुकी हूँ वीडियो में कि ये जो लोकेशन है ना, इसको जूम कर देते हैं, ये जो लोकेशन है ना इंडिया, इसको इंडिया को यहाँ से हटा दो, ऑल ओवर वर्ल्ड कर दो। तो ये देखिए ऑल लोकेशन सेलेक्ट किया, इसका रीजन ये सिंपल था कि अगर कोई पर्सन न्यूयॉर्क में भी बैठा है और वो टाइप कर रहा है सेकेंड हैंड कार्स इन इंडिया, तो डेफिनेटली उसको कहाँ सर्विस चाहिए, इंडिया में ही चाहिए, तो क्यों ना हम इसको ऑल लोकेशन सेलेक्ट करें। तो इसीलिए मैंने इसको ऑल लोकेशन किया है और सेकेंड हैंड कार्स इंडिया ये मैंने सेलेक्ट किया है। तो टोटल आप देखेंगे तो 3533 कीवर्ड आइडियाज आ रहे हैं। अब देखो मैंने जो इतनी बड़ी लिस्ट निकाली है, अगर सबकी मैं इतने 3000 कीवर्ड देखने लगूं तो मेरे पास तो बिल्कुल भी टाइम नहीं बचेगा। तो इसीलिए अब मैं यहां पर कुछ फिल्टर्स लगाऊंगी। अभी कुछ भी आपको कीवर्ड्स में नहीं जाना है, अभी आपको फिल्टर्स पे ध्यान देना है। ठीक है, फिल्टर्स में अब देखो यहां पर एड फिल्टर करेंगे, तो मैं यहां पर क्या करने वाली हूं, जो कॉम्पिटिशन है ना, अब यहां पर थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, कॉमन सेंस लगाना है, क्या आप हाई कंपटीशन वाले कीवर्ड्स को टारगेट करना चाहते हैं। हाई कंपटीशन का मतलब कि इस पर्टिकुलर कीवर्ड पर कंटेंट बनाने वाले वेबसाइट बहुत ज़्यादा यहाँ पर लोग हैं। ठीक है, तो अगेन आप ये चीज़ थोड़ा सा अपनी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हैं। ये डेफिनेटली आपके नीश के अकॉर्डिंग होगा कि आपके बिजनेस का जो नीश है कि सेकेंड हैंड कार्स में, यूज्ड कार्स में कितने हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं। ठीक है, सो इसीलिए मैं अभी जो ये जो मेरा नीश है इसमें ज़्यादा कॉम्पिटिशन मुझे लगा नहीं इतना। तो अब मैं किस चीज़ का फिल्टर लगाऊँ, देखो आप इसको स्क्रोल डाउन करोगे ना तो देखो OLX वर्ड आ रहा है, उसके अलावा कुछ आप डेफिनेटली इसमें कार्स 24 के भी कुछ होंगे, तो मुझे नेविगेशन कीवर्ड्स को कंसिडर करने ही नहीं है। अंटिल अनलेस कोई स्पेशल केस ना हो मैं नेविगेशन को यूज़ नहीं करूँगी। तो इसीलिए ये बहुत अच्छा ऑप्शन है कि कीवर्ड ऑप्शन में जाओ और यहाँ पर वो कीवर्ड्स आपको सेलेक्ट करने हैं जिसमें डज नॉट कंटेन, ऐसा कीवर्ड लेना है जिसमें ये वर्ड्स ना हो। क्या नहीं हो? OLX ना हो। ठीक है, सो OLX मैंने अप्लाई कर दिया। अब वो मेरे जो कीवर्ड्स है ना जहाँ पर OLX लिखा हुआ था वो हट गए। ठीक है जी, एक और फिल्टर लगा देती हूँ। ठीक है, कीवर्ड अगेन डज नॉट कंटेन, सो मैं यहाँ पर लगा देती हूँ cars24। ठीक है, cars24 को मैंने कर दिया अप्लाई। ठीक है, अब जहाँ जहाँ अगर cars24 है तो वो भी कीवर्ड यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, ये देखो अब मेरे कीवर्ड्स यहाँ पर कुछ हो गए। ठीक है, देख सकते हैं आप यहाँ पर, और इसमें से मैं स्क्रॉल डाउन करके आप अपने अकॉर्डिंग जो फिल्टर्स हैं उनको देख सकते हो, यूज कार्स बेंगलोर। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा इंडिया वर्ड पर फोकस करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, सिंपली एक और फिल्टर लगा दूंगी जिसमें मैं कीवर्ड पर जाऊँगी और कंटेंस रखूँगी कि ये वर्ड होना ही होना चाहिए और वो वर्ड होगा इंडिया, और मैं कर दूंगी इसको अप्लाई। ठीक है, कि भाई मेरे को तो सिर्फ वही कीवर्ड चाहिए जिस कीवर्ड में इंडिया हो और नेविगेशन कीवर्ड ना हो। ठीक है जी, ये यहाँ पर मेरे कुछ कीवर्ड्स आ गए। ठीक है, और इनको चाहें तो आप थोड़ा सा ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये इतनी लोकेशन आ रही है। ठीक है, तो मैं इसके अकॉर्डिंग और गूगल के अकॉर्डिंग ही है ये, तो मैं इसको अब यहाँ पर डाउनलोड कर लूँगी। ठीक है, डाउनलोड करने के लिए .csv फाइल में कर लूँगी जिससे कि मैं इसको अपनी एक्सेल में एक्सपोर्ट कर पाऊँ। अब देखिए ये मेरी शीट यहाँ पर ओपन हो चुकी है और मैं आपको बताऊँ तो अप्रॉक्सीमेटली 200 से भी ज़्यादा मुझे कीवर्ड्स निकले हैं। ठीक है, तो अब इसमें से जो बिना काम की चीज़ें हैं ना उनको एक बार हटा देते हैं तो थोड़ा सा समझना मेरी शीट को आसान हो। ठीक है, तो जो काम की चीज़ होगी ना मैं सिर्फ अभी तक वही रख रही हूँ। ठीक है, सो ये इन सबको कर देती हूँ मैं डिलीट। ठीक है जी, ये कर दिया इसको डिलीट, एंड उसके अलावा जो ये कुछ रोज़ हैं इनको मैं डिलीट कर देती हूँ, ये डिलीट हो गए। उसके अलावा करेंसी तो मेरा अभी किसी काम की है ही नहीं। ठीक है, एवरेज थ्री मंथ चेंजेस, YOY चेंजेस, ये इनको मैंने कर दिया है डिलीट। अब इनको थोड़ा सा मैं एक्सपांड कर देती हूँ जिससे मेरे को थोड़ा कीवर्ड जो है समझ में आ जाए। ठीक है, एवरेज मंथली सर्चेज हैं ये, पहले मैंने इनको हटा दिया था। ओके,
सो ये मेरे कुछ कीवर्ड्स आ चुके हैं, ठीक है। ये मेरे एवरी मंथली सर्चेज यानी मेरी वॉल्यूम है, तो इसको मैं वॉल्यूम ही लिख देती हूँ जिससे आप कंफ्यूज ना हो। कंपटीशन है, कंपटीशन की इंडेक्स वैल्यू है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, इन सबको पहले सॉर्टिंग कर दो। सॉर्टिंग करने के लिए इस पर सिलेक्ट करो, ये इसको पूरे को सिलेक्ट करो, ये यहाँ पर दिख रहा है, ये यहाँ पर दिख रहा है सॉर्ट एंड फिल्टर, इसको करो तो यहाँ पर लिख दो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 500 से नीचे जो 50 है ना, 50 को तो मेरे को कंसिडर करना ही नहीं, तो ये इसको पूरा सेलेक्ट करो, शिफ्ट पेस्ट डाउन एंड इन सबको कर दो डिलीट, ठीक है। अब देखो मेरे कितने रह गए, 112 और मतलब करीब 100 के आसपास मेरे जो ये कीवर्ड्स हैं ये रह गए, ठीक है। अब यहाँ पर ना थोड़ा सा आप ध्यान दो, तो यहाँ पर देखो कि डॉज चैलेंजर एंड दिस ऑडी Q5, ठीक है, Porsche, ये सारे वर्ड्स भी आ रहे हैं। तो मैं एक काम करती हूँ, मैं वापस से मेरी शीट पर जाती हूँ और यहाँ पर ना एक और फिल्टर लगाती हूँ, और वो फिल्टर में क्या मैं लिखूंगी कि मेरा जो कंटेन्स है और कंटेन होना चाहिए कार, क्योंकि मैं बेसिकली किस में डील कर रही हूँ, कार में डील कर रही हूँ। तो ये मैंने अप्लाई कर दिया, तो मेरे कीवर्ड जो है ना वो और कम हो जाएंगे कुछ ना कुछ, ठीक है। सो ये देखिए यहाँ पर मैंने इनको थोड़ा और कर दिया, और अब मैं डाउनलोड कर लेती हूँ, ठीक है। अब ऐसी बार बार अब आपको लग रहा होगा कि एक बार शीट डाउनलोड कर दी, अब वापस उसको ये हटा रही हैं, देखिए बिल्कुल ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसे वो नहीं है, हलवा नहीं है कि बस आपने एक खा लिया, ठीक है। सो इसलिए ये वाली एक और शीट डाउनलोड कर दी है, तो मैं ये इस वाली को तो बिल्कुल हटा देती हूँ, अब मेरे काम की नहीं है ये, ठीक है। सो इसको मैं डोंट सेव कर देती हूँ और वापस आ जाती हूँ और इसको कर देती हूँ ओपन, ठीक है जी। अगेन सेम स्टेप, ठीक है, बोर तो नहीं हो रहे हो। चलिए ये देखिए मैंने हटा दिया इसे, ओके। अब इस पे आ जाते हैं 3 month चेंजेस, इन सबको डिलीट कर देते हैं जो भी हमारे काम की नहीं है, करेंसी को डिलीट कर देती हूँ एंड ये मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है जी। सो ये वापस हम आ गए हैं, अब वापस एक बार सॉर्टिंग कर लेते हैं। सॉर्टिंग के लिए सिंपली यहाँ क्लिक करना है, पूरी इसको कॉलम को सेलेक्ट करना है, सॉर्ट करना है, सॉर्ट करना है लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ठीक है। ये कर दिया सॉर्ट, अब जो हमारे 50 वाले थे ना उनको कर दो डिलीट। 50 वाले कहाँ से शुरू हो रहे हैं, ये हमारे शुरू हो रहे हैं यहाँ से, ओके यहाँ से, ठीक है। सो पेस्ट डाउन, शिफ्ट पेस्ट डाउन एंड इन सबको कर देंगे डिलीट, ओके जी डिलीट हो गया। अभी जो ये मैंने कीवर्ड्स निकाले ना, इनमें से मैं वो कीवर्ड्स हटाऊंगी जो कि मेरे काम के नहीं है। जैसे आप देखेंगे तो कार 24 ये आ गया है, उसके अलावा कार वैल्यू कैलकुलेटर, इसमें से आप देखिए अब एक एक करके मैं हटाती हूँ, ठीक है। और आप भी साथ साथ में करते ही जाइए ये सारे स्टेप्स, ठीक है। सो ये मैं हटाने लगी हूँ इनको, कि जो ये इतने कीवर्ड्स आए थे लाइक 100 के भी आसपास, उसमें से मैंने थोड़े कीवर्ड्स हटाए हैं और अराउंड आप देखेंगे तो 15 कीवर्ड्स अब मेरे पास बच गए हैं, ठीक है। तो इन 15 को मैं यहाँ पर से कर देती हूँ कॉपी अलॉन्ग विद देयर वॉल्यूम एंड देयर कॉम्पिटिशन, ठीक है। सो इनको चलिए कॉपी कर लेते हैं, और मेरी जो शीट बनाई थी जहाँ पर हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करके आइडियाज निकाल रहे थे, उन पर मैं यहाँ पर इनको कॉपी कर दूंगी। ये देखिए ये जो मेरी शीट थी इसको पर मैंने कॉपी कर दिया है, लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ये जो एवरेज मंथली सर्चेस दिया हुआ है ना, ये मेरा एक्यूरेट नहीं है, ये सिर्फ जो वो रेंज आई थी उसी का ही मिड पॉइंट यानी उसी का ही मीडियन दिया हुआ है, और कंपटीशन भी ये पेड एड्स का है, तो मैं इनके बेसिस पर अपने कीवर्ड्स को नहीं चूज़ करूँगी बल्कि मैं पेड एड्स की हेल्प लूँगी, ठीक है। अभी यहाँ पर जैसे आपने ये एक शीट निकाली, वैसे ही आप चाहें तो, वैसे तो ऑलरेडी मेरे सारे जो LSI कीवर्ड्स हैं वो कवर हो चुके हैं, लेकिन आप चाहें तो इनमें से जैसे सेकेंड हैंड कार्स हो गया, अभी जैसे मुझे यहां पर पता चला जैसे ओल्ड कार्स भी मेरा एक LSI कीवर्ड हो सकता है इस पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए, तो ये चीज मुझे पहले नहीं पता थी, लेकिन कीवर्ड रिसर्च के दौरान ये चीज मुझे पता चली कि ओल्ड कार्स भी वर्ड में यूज कर सकती हूं, ठीक है। सो ये अभी हमने कुछ कीवर्ड्स यहां पर निकाले, इसी तरह से आपको जो ये हमने टूल यूज किया है गूगल एडवर्ड्स, इसका यूज लेके आपको कुछ अच्छे कीवर्ड्स निकालने, यहां से आपने देखा कि मुझे कुछ अच्छे LSI कीवर्ड्स निकले, लेकिन अभी काम खत्म नहीं हुआ है, अभी आता है मेन काम जहां पर हम हेल्प लेने वाले हैं हमारे पेड टूल की, और जो पेड टूल मैं यूज कर रही हूं उसका नाम है उबर सजेस्ट। ऑलरेडी इसका ट्यूटोरियल ला चुकी हूं कैसे यूज करना है, कैसे अकाउंट बनाना है, सारी चीजें। सो अगर वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से प्लेलिस्ट उठा लो और वीडियो देखो, नहीं तो अभी चलिए डायरेक्ट उबर सजेस्ट पर चलते हैं। तो सिंपली मैं टाइप कर रही हूं उबर सजेस्ट, ठीक है। ये देखिए नील पटेल एक पर्सन है, उनका ये टूल है, साइन इन करेंगे
अब यहाँ पर उबर सजेस्ट में देखिए मैंने टाइप किया है यूज्ड कार्स इन इंडिया, तो जो मेरा रूट वर्ड है, ठीक है, यहाँ पर लोकेशन इंडिया ही सिलेक्टेड है, तो यहाँ पर अपन वर्ल्ड वाइड नहीं कर सकते, इसीलिए मैंने अब मुझे इंडिया ही रखना पड़ेगा। तो मैं सर्च यहाँ पर करती हूँ और आप देखेंगे वैसे इस पर्टिकुलर कीवर्ड की ये सर्च वॉल्यूम है और SEO डिफिकल्टी यानी मेरा जो कॉम्पिटिशन है वो इतना है, लेकिन मुझे सारे कीवर्ड चाहिए तो मैं कीवर्ड आइडियाज पर क्लिक करने वाली हूँ, ठीक है। सो कीवर्ड आइडियाज में एक काम करते हैं, मैं एक दो और कीवर्ड्स यहाँ पर डाल देती हूँ, जैसे कि सेकेंड हैंड कार्स, ठीक है, सेकेंड हैंड कार्स इन इंडिया, ये मेरा एक और कीवर्ड मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है और मैं इसको अब सर्च कर रही हूँ, ठीक है जी। आगे देखते हैं, तो यहाँ पर ये भी मेरे रिजल्ट ये प्रोसेस हो रहे हैं, तो ये रिजल्ट्स मेरे यहाँ पर कुछ आ चुके हैं, यहाँ पर टोटल आप देखेंगे तो 415 रिजल्ट्स आए हैं, ठीक है। इसमें से भी अभी मुझे थोड़ा सा इनको फिल्टर करना पड़ेगा, ठीक है। तो कीवर्ड फिल्टर्स पर जब मैं क्लिक करूंगी तो इंक्लूड कीवर्ड्स, मतलब ऐसे कौन से कीवर्ड हैं जो मुझे इंक्लूड करने हैं, तो मैं इंडिया वर्ड यहाँ पर ऐड करना चाहूंगी और एक्सक्लूड मैं करना चाहूंगी डेफिनेटली OLX, उसके अलावा कार्स 24। तो अब मैं इसको कर दूंगी अप्लाई और मैं देखूंगी कि मेरे कुछ कीवर्ड्स आ चुके हैं। उसके अलावा मैं वॉल्यूम का भी फिल्टर लगा देती हूँ, तो मैं एक काम करती हूँ, फ्रॉम नहीं करती, मतलब टू तो कितना भी हो सकता है, लेकिन मेरी जो वॉल्यूम है वो एटलीस्ट, अब जैसे ना आपको थोड़ा एवरेज पता चल जाएगा, तो मैं चाहूंगी कि मेरी जो वॉल्यूम हो वो 100 से तो एटलीस्ट ज़्यादा हो, ठीक है, 100 से ज़्यादा करके हम कर देंगे अप्लाई। अब आप देखेंगे तो मेरे जो वॉल्यूम का नंबर था ना वो 42 रह गया, सिर्फ 42 कीवर्ड्स रह गए, तो ये अच्छी बात है, मतलब मुझे ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा, ठीक है। और 100 से अगर कम किसी कीवर्ड का वॉल्यूम है तो डेफिनेटली मैं उसे टारगेट भी नहीं करूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर वो मेरा टाइम वेस्ट वहाँ पर होगा, ठीक है। सो ये करने के बाद मैं इसको मैं कर लेती हूँ डाउनलोड, एक्सपोर्ट टू CSV हम करेंगे, एक्सपोर्ट ऑल कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इसको हम कर लेते हैं ओपन, तो ये देखिए इसमें से, ये देखिए मेरी शीट आ चुकी हो, इसमें से जैसे CPC है इसको मैं हटा देती हूँ, ये जो पेड डिफ़िकल्टी पे हमें फोकस नहीं करना है, क्योंकि ये पेड यानी PPCs के लिए है, तो मैं SEO डिफ़िकल्टी पे फोकस करूँगी, ठीक है। सो ये देखिए कुछ मेरे कीवर्ड्स आ गए हैं, 42 आ गए, तो इनमें से अभी सारे के सारे मैं नहीं ले सकती हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ पर जैसे सेकेंड हैंड लग्जरी कार्स है, तो ये मेरा थोड़ा टिपिकल कीवर्ड हो गया, तो इसको मैं बेटर ट्राई करूँगी कि इसको मैं अवॉइड करूँ, ठीक है। सो अब इसमें से भी मैं कीवर्ड्स अपने कुछ हटा लेती हूँ, जो कि मेरे काम के हैं मैं उनको रख देती हूँ, और नहीं काम के उनको हटा देती हूँ, ठीक है। जैसे यूज कार्स इन इंडिया डेफिनेटली काम का है, बिकॉज एक्यूरेट कीवर्ड है, उसके अलावा सेकेंड हैंड कार्स इन इंडिया ये काम का है, यूज कार्स फ्रॉम इंडिया, यूज्ड लग्जरी कार्स इन इंडिया, ठीक है। अब लग्जरी कार्स अगर आपका टिपिकल है, यानी कोई वर्ड से रिलेटेड है, ऐसी कुछ प्रोडक्ट है आपका, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो, अदरवाइज मैं चाहूंगी कि आप इसको अवॉइड करो। उसके अलावा ये कन्वर्टेबल कार्स है, तो ये डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा आउट ऑफ द बॉक्स ये कीवर्ड हो गया, तो मैं इसको हटा दूंगी। इलेक्ट्रिक कार्स अगर ये है वर्ड आपका, मतलब एक्चुअल में अगर, बिकॉज आपको भी चल रही है अभी काफी ज्यादा इको फ्रेंडली कार्स का फैशन है, ट्रेंड में है, तो अगर ये आपका प्रोडक्ट है तो ही आप इसको इंक्लूड कीजिए, नहीं तो हटा दीजिए, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास काफी कीवर्ड्स पड़े हैं। सो यूज कार वैल्यूएशन, सेकेंड हैंड लग्जरी कार्स, अभी ये थोड़ा डाउट केस है तो मैं उनको हटा रही हूँ, ठीक है। उसके अलावा आप थोड़ा सा देखेंगे तो ये देखिए यूज कार्स प्राइस, ये एक कीवर्ड है, तो मैं इसको कंसिडरेबल है, इसको मैं ले सकती हूँ। यूज ऑडी कार्स है, इम्पोर्टेड कार्स को हटा दूंगी, ठीक है, प्राइस यहाँ पर है तो मैं इसको एक बार कंसिडर करूंगी, तो मैं इसको रहने देती हूँ। उसके अलावा सेकेंड हैंड कार इंडिया प्राइस, यूज कार इंडिया फॉर सेल, चीप यूज कार्स इन इंडिया, अच्छा कीवर्ड है, ठीक है। उसके अलावा बेस्ट सेकेंड हैंड कार्स, तो ये थोड़ा सा कह सकते हैं ना ब्लॉगिंग वाला टॉपिक हो गया। उसके अलावा वॉल्वो कार्स है, सो इम्पोर्ट ऑफ यूज कार्स, अब आई एम नॉट श्योर कि आपका जो क्लाइंट है या फिर हमारा जो क्लाइंट है वो इम्पोर्ट करता है या फिर नहीं, तो इसको मैं हटा दूंगी। सेकेंड हैंड इलेक्ट्रिक कार, सेकेंड हैंड स्पोर्ट्स कार्स, सुपर कार्स, यूज कार्स, सेकेंड हैंड कन्वर्टेबल कार्स, मोस्ट यूज कार्स इन इंडिया, तो ये डेफिनेटली नॉर्मल इन्फॉर्मेशन कीवर्ड है। सो इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन दिस चीपेस्ट सेकेंड हैंड कार्स इन इंडिया, तो मैं इसको रखती हूँ थोड़ा, क्योंकि चीपेस्ट वर्ड है तो थोड़ा सा खेची है, ठीक है जी। और देखते हैं, सो बेस्ट सेकेंड हैंड कार्स, बेस्ट वेबसाइट, तो ऑनलाइन तो है ही नहीं हमारा बिजनेस, मैं हटा रही हूँ। टोयोटा OLX यहाँ पे वर्ड आ रहा है, यूज कार ऐप है, इंपोर्ट ड्यूटी, यूज कार साइट, टॉप 10, ओके ओके ओके, ये सब को मैंने हटा देना है, क्यों, क्योंकि मेरे काम के ही नहीं है। अब यहाँ पर जो मेरे कीवर्ड बचे ना, ये मेरे काम के, तो इन सबको कर लो कॉपी और उसी शीट में डाल दो जिसमें आपने
अभी तक हमारे कीवर्ड्स हमने सेव किए हैं। ठीक है जी, तो ये आ गया और इसमें मैं इन तीनों रोज को सेलेक्ट करके इसको कॉपी कर देती हूँ। ठीक है जी, हो गया कॉपी। ओके, अब क्या करते हैं, ये जो मेरे कुछ कीवर्ड मैंने निकाले थे ना रूट कीवर्ड्स, इनकी मैं वॉल्यूम और कॉम्पिटिशन अलग से निकाल लेती हूँ। ठीक है, सो मैं इसको एक एक को लेती जाऊँगी एंड इसको यहाँ पर पुट करती जाऊँगी। ठीक है, इन सबको हटा देते हैं एंड कीवर्ड ओवरव्यू पर हम जाएंगे। सो ये देखिए, सर्च कर लेते हैं तो 880 और एसईओ डिफिकल्टी 20, इसमें सेव कर लेते हैं। ठीक है, इन सारी शीट्स को मैं हटा देती हूँ। ठीक है, हमें इनकी ज़रूरत नहीं और हमें इस वाली शीट की भी ज़रूरत नहीं, तो हटा देते हैं इसको। ओके, सो इसका टोटल जो वॉल्यूम है वो देख सकते हैं 880 और 20। ओके, तो मैं इसको यहाँ पर सेव कर लेती हूँ। ओके, 20। अब देखो ऐसे ऐसे करके मैं सबकी एक बार वॉल्यूम और कॉम्पिटिशन निकाल लेती हूँ। इसका है 2951, तो मैं सेव कर देती हूँ। तो ये देखिए, सबकी वॉल्यूम और जो कंपटीशन है मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब इनको एक बार सॉर्टिंग कर देते हैं फाइनल। ठीक है, सो अभी ये मैंने यहाँ पर कुछ कीवर्ड निकाल लिए हैं और भी आप इनको स्क्रॉल डाउन करके देख सकते हो कि कुछ आपको ऐसे आइडियाज तो नहीं मिल रहे हैं जो आपने इंक्लूड नहीं किए शीट में, बट मुझे लगता है हमने सभी इंक्लूड कर लिया है। आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा अगर आपको लगता है कि नहीं मैम आपको थोड़ा सा और आप इसको कर सकते थे, तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता दीजिए। ठीक है, सो ये मैं इसकी सॉर्टिंग कर देती हूँ। सॉर्टिंग करने के लिए अगेन सेम चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें याद रखना। ठीक है, ये कर दिए यहाँ पे सॉर्ट। ओके, अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखनी है, ये जो 5000 है ना, ये मेरा एक्यूरेट नहीं है। ठीक है, सो ये जो जहाँ जहाँ 5050 आया हुआ है या 500 आया हुआ है, ये मतलब ऑब्वियसली हमने किसकी हेल्प ली थी, गूगल हमारे एडवर्ड्स की ली थी, तो वो तो रेंज बताता है। तो इनकी भी एक बार मैं कीवर्ड और इनका जो एक्चुअल कॉम्पिटिशन है वो मैं ऊबर सजेस्ट पर देख लेती हूँ। अब देखते हैं कि अब हमारे ये जो कीवर्ड्स हैं मैंने सबकी सॉर्टिंग कर दी है, सबके एक्चुअल जो वॉल्यूम था ऊबर सजेस्ट की हेल्प से वो मैंने निकाल लिया है, कंपटीशन सबका आ गया और सबकी सॉर्टिंग भी अच्छे से कर दी है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है हमें, अब देखिए टोटल कितने कीवर्ड्स आए हैं, टोटल हमारे कीवर्ड्स आए हैं 33। अब टोटल 30 कीवर्ड्स में से अब हमें कुछ अपने कीवर्ड सेलेक्ट करने हैं, उसमें से भी एक या दो कीवर्ड्स मेरे प्राइमरी कीवर्ड रहने वाले हैं जो कि मैं अपने मेजर में कीवर्ड बोल सकती हूँ जिसको। ठीक है, सो अब देखिए, जैसे अब मेरे पास 33 कीवर्ड्स हैं तो इनकी अब मैं थोड़ी सी प्रायोरिटी रखूंगी। ठीक है, जैसे मैं अब यहाँ पर थोड़ी सी इनको रैंकिंग दूंगी। ठीक है, कैसे रैंकिंग देंगे अब देखिए, जहां जहां अब मैं कॉम्बिनेशन देखूंगी, ऐसे कीवर्ड जहां पर मेरे एक या दो कीवर्ड के कॉम्बिनेशन बन रहे हैं उनको मैं फर्स्ट प्रायोरिटी दूंगी। ठीक है, जैसे कि ओल्ड कार्स इन इंडिया, तो ये ऑब्वियसली अब रैंकिंग हम 1-2-1-2 इस तरह से देंगे, तो ये मैंने 1 रैंकिंग दे दी। यूज्ड कार्स इन इंडिया, तो यूज्ड मेरा नया वर्ड आया है, मतलब नया मतलब इससे पहले जो मेरा कीवर्ड था उसमें यूज नहीं है, तो मैं इसको लूंगी यूज्ड कार्स इन इंडिया। अभी ये मेरा डुप्लीकेट कीवर्ड है, ठीक है, तो मैं इसको ऑब्वियसली सेकंड 2 नंबर दूंगी इसको। उसके अलावा यूज्ड कार्स इन इंडिया, तो ये 3 बार आ चुका है, तो ये इसीलिए आया क्योंकि अपन ने 2-3 टूल्स की यूज दी है, तो इनको मैं 2 कर रही हूँ, 2 वालों को सबको हटा दूंगी मैं। कार सेल इंडिया, तो कार सेल इंडिया ये यहाँ पर पहली बात तो इस कीवर्ड को मैं हटा देती हूँ, ये गलती से आ गया है क्योंकि कार सेल से हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि यहाँ पर सेकंड हैंड सेल की बात हो रही है। उसके अलावा यूज्ड कार्स फ्रॉम इंडिया, ये कीवर्ड आया है, तो फ्रॉम से भी मुझे को समझ नहीं आ रहा, तो मैं इसको हटा रही हूँ एक बार। ठीक है, सेकंड हैंड कार्स इन इंडिया, अब सेकंड हैंड कार्स ऑब्वियसली फर्स्ट टाइम वर्ड यूज हो रहा है, तो 1। सेकेंड हैंड कार्स इन इंडिया, अगेन ये एक कह सकते हैं हमारा डुप्लीकेट हो गया कीवर्ड, इसको मैं डिलीट कर देती हूँ। सेकेंड हैंड कार्स इंडिया, ठीक है, सिर्फ इंडिया है, तो अगेन यहाँ पर इन हट गया है, लेकिन ये पूरा कीवर्ड मेरा, ये वाला जो कीवर्ड है ना सेकेंड हैंड कार्स इंडिया, इसमें कवर हो चुका है, तो इसीलिए मैं इसको 2 नंबर दूंगी, मतलब सेकेंड नंबर दूंगी। उसके अलावा बाय यूज्ड कार्स, अब बाय वर्ड पहले कभी यूज नहीं हुआ है, तो मैं इसको 1 दे दूंगी, 1 पहले मतलब इन वाले कीवर्ड्स में। फिर उसके बाद में बेस्ट सेकेंड हैंड कार टू बाय इन इंडिया, तो अगेन ये इसको मैं 1 नंबर दूंगी क्योंकि इसमें बेस्ट वर्ड यूज हो रहा है, बाय वर्ड यूज हो रहा है, तो मैं इसको ये नाम दे दूंगी। ओल्ड कार्स फॉर सेल, तो देखो ओल्ड कार्स यहाँ यूज हो गया है और सेल तो कहीं यूज नहीं हुआ है, तो सेल इसमें नया वर्ड आया है, तो मैं 1 नंबर दूंगी इसको। बाय यूज्ड कार्स इन इंडिया, तो बाय वर्ड आ चुका है, यूज्ड कार्स भी आ चुका है, इंडिया भी आ चुका है, तो मैं इसको सेकंड नंबर दूंगी। सेकंड का मतलब है कि ये ऑलरेडी आ चुका है, मतलब ये जो इसमें जो वर्ड यूज हुए हैं ना इस कीवर्ड में, ये ऑलरेडी इन कीवर्ड्स में इंक्लूड हो चुके हैं, तो मैं इसको कंसिडर नहीं कर रही हूँ। उसके अलावा यूज्ड कार्स प्राइस, तो प्राइस वर्ड है, तो प्राइस नया है, तो मैं इसको 1 दे देती हूँ। उसके अलावा देखेंगे तो यूज कार्स इन इंडिया प्राइस, तो अगेन ये सेम ही कीवर्ड है, तो मैं इसको 2 नंबर दे रही हूँ। प्राइस ऑफ सेकेंड हैंड कार्स, सो अगेन
इन सबको मैं टू कर रही हूँ। प्राइस ऑफ सेकेंड हैंड कार्स, ये भी कोई नया अभी तक कीवर्ड आ नहीं रहा है। ये देखो ये दोनों डुप्लीकेट हो गए, तो इसको मैं हटा देती हूँ। यूज्ड कार्स इंडिया फॉर सेल, तो सेल भी आ चुका है, सेकेंड हैंड कार्स प्राइस भी आ चुका है, तो इन दोनों को ही मैं दो नंबर दे रही हूँ। ओके, तो सेकेंड हैंड यहाँ पर देखेंगे तो टू यहाँ पर लगा हुआ है, तो ये फर्स्ट टाइम आया है, तो मैं इसको वन नंबर दे रही हूँ। उसके अलावा आप देखेंगे तो बेस्ट यूज्ड कार्स, तो बेस्ट ऑलरेडी आ चुका है, तो सेकेंड नंबर। बेस्ट सेकेंड हैंड कार टू बाय इन इंडिया 2021, तो मैं इसको एक बार वन दे देती हूँ। 2021 पहली बार यूज़ हुआ है। बेस्ट यूज्ड कार, सो अगेन टू। चीप वर्ड पहली बार आया है, तो मैं वन यूज़ कर रही हूँ। बेस्ट सेकेंड हैंड कार्स इंडिया, तो अगेन इसको मैं टू दूंगी, क्योंकि ऑलरेडी ये वर्ड्स आ चुके हैं मेरे इन कीवर्ड्स में। चीपेस्ट सेकेंड हैंड कार, चीपेस्ट वर्ड यूज़ हुआ है, तो मैं इसको वन दे रही हूँ। बेस्ट सेकेंड हैंड कार्स है, तो ऑलरेडी आ चुके हैं वर्ड्स। यूज्ड ऑटोमेटिक कार्स, अगर ऑटोमेटिक कार्स है तो ठीक है, नहीं तो आप इसको एक बार मैं टू नंबर दे देती हूँ। बाय सेकेंड हैंड कार, ऑलरेडी वर्ड आ चुका है, टू। बाय भी आ चुका है, एंड सेकेंड हैंड कार फॉर सेल, सेकेंड हैंड भी आ चुका है, कार्स भी आ चुका है, और फॉर सेल भी आ चुका है, तो इसको भी मैं टू दे रही हूँ। अब यहाँ पर इसको अब हम सॉर्ट कर देंगे। सॉर्ट कैसे करेंगे? अगेन स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, जिससे कि जो वन नंबर वाले हैं वो ऊपर आ जाएं और जो दो नंबर वाले हैं वो नीचे चले जाएं। अब ये जो दो नंबर वाले हैं ना, इनको मैं कर देती हूँ डिलीट। ठीक है जी, ये देखो मैंने कर दिया इसको डिलीट। ओके, ये देखो अब मेरे पास ये कुछ कीवर्ड्स बचे हैं। अब इन कीवर्ड्स में, अब मैं ये जो रैंकिंग वाला पार्ट है ना, इसको मैं कर देती हूँ डिलीट। ये कुछ कीवर्ड बचे हैं, अब इन्हीं में से ही आपको अपने प्राइमरी कीवर्ड और आपके जो रेस्ट ऑफ योर कीवर्ड्स हैं उनको आपको चूज करना है। अब मैं किसको चूज करूं? देखिए ध्यान से देखिएगा, ओल्ड कार्स इन इंडिया, इस पर वॉल्यूम है 3600, कंपटीशन है 51। यूज्ड कार्स इन इंडिया, इस पर वॉल्यूम है 2900, कंपटीशन है 51। अब दोनों में कंपटीशन सेम है, लेकिन इसका वॉल्यूम ज़्यादा है, तो डेफिनेटली मैं इसको चूज़ करूँगी। लेकिन और भी कीवर्ड देख लेते हैं, तो सेकेंड हैंड कार्स इन इंडिया, ठीक है, उसके अलावा तो इस पर 1000 वॉल्यूम है और 53 यहाँ पर कॉम्पिटिशन है। तो अब मेरे को सीधा सीधा सिंपली दिखाई दे रहा है कि ये मेरा एक से प्राइमरी कीवर्ड बन सकता है, तो इसको मैं बना देती हूँ प्राइमरी कीवर्ड। और इसके अलावा भी मैं तीन या चार ऐसे कीवर्ड सेलेक्ट कर लेती हूँ जो कि मेरे सेकेंडरी कीवर्ड, या फिर मैं बोल सकती हूँ अदर देन प्राइमरी कीवर्ड्स मेरे काउंट होंगे। सो यूज्ड कार्स को ले लेती हूँ, उसके अलावा दो मैं ये वाले कीवर्ड ले लेती हूँ जिन पर वॉल्यूम अच्छा है, ठीक है, इनको ये मैं येलो कर देती हूँ, और एक प्राइमरी कीवर्ड ऐसा ले लेती हूँ जिन पर बेसिकली कॉम्पिटिशन कम है। तो अब ये तो मैंने कुछ ले लिए जिन पर अच्छा वॉल्यूम था, लेकिन अब मैं जो कम कंपटीशन वाले हैं, जैसे अभी देख सकते हैं 2020 वो है, तो मैं इन दोनों को भी ले लेती हूँ। तो टोटल मेरे यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर 5 कीवर्ड्स हो चुके हैं, ठीक है। टोटल मेरे 5 कीवर्ड्स मैंने ले लिए हैं, जिसमें से ये वाला जो मेरा कीवर्ड है ये प्राइमरी कीवर्ड है, ठीक है। अब जब प्राइमरी कीवर्ड क्या होता है, इनको कहाँ हम यूज़ करेंगे, या जब हम ऑन पेज एसईओ समझेंगे वहाँ पर समझेंगे। तो यहाँ पर आपने देखा कि हमने कैसे कुछ इंटरेस्टिंग कीवर्ड्स निकाले। इसी तरह से आपको प्रैक्टिस करते रहनी है, हो सकता है कुछ और भी आपका स्टाइल हो। अभी जैसे हमने थोड़ा सा लॉन्ग तरीका यूज़ किया है, जिसमें हमने पहले हमने गूगल एडवर्ड्स की हेल्प ली, फिर हमने किसी पेड टूल की हेल्प ली। आप डायरेक्टली अगर आप शॉर्टकट चाहते हैं, तो सिंपली आप ऊबर सजेस्ट पर जाइए, अपना रूट कीवर्ड वहाँ पर टाइप कीजिए, और जो कीवर्ड्स रिजल्ट्स आएँ उनमें डायरेक्टली आप उसमें अपने स्ट्रॉन्ग कीवर्ड्स को चूज़ कर लीजिए, ठीक है। सो लेकिन मैंने यहाँ पर थोड़ा सा लॉन्ग कट यूज़ किया है। अभी जैसे यहाँ पर ये एक ऐसा नीश था, ऐसा बिजनेस था, जिसके लिए ज़्यादा आइडियाज़ मुझे नहीं मिले हैं, बहुत ज़्यादा कीवर्ड्स मुझे नहीं मिले हैं, तो जो मेरे कीवर्ड्स मुझे मिले हैं उसी में से ही मैंने अपने प्राइमरी और सेकेंडरी कीवर्ड्स यूज़ किए हैं। अब आपको ध्यान रखना है सबसे पहली बात लोकेशन का, ऑब्वियसली आपका जो कीवर्ड है उसका, कि आपके बिजनेस से डायरेक्टली रिलेटेड हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इंडिया वर्ड्स लिया है। आप चाहते हैं कि ये जो मेरी सर्विस है इसको मैं, जैसे दिल्ली जैसे एक बड़ा शहर है, बेंगलोर एक बड़ा शहर है, मुंबई एक बड़ा शहर है, तो इनमें भी इन कीवर्ड्स को भी मैं ले सकूँ, तो डेफिनेटली आप वो ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। एंड ये हमने कीवर्ड्स निकाले, आई होप थोड़ा सा मज़ा आया होगा। थोड़ी सी लेंथी वीडियो थी, लेकिन आपने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा, ठीक है। सो ये थी हमारी कीवर्ड रिसर्च, काफ़ी सिंपल है लेकिन थोड़ा सा कभी कभी लेंथी हो जाता है। सो मैंने आपको दोनों ही तरीके बता दिए हैं, आपको शॉर्टकट तरीका यूज़ करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे आप किसी प्रोजेक्ट की कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। अब मैं आपको सिर्फ यही सजेस्ट करूंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइप के बिजनेसेस लो, ज़्यादा से ज़्यादा टाइप की वेबसाइट लो, और ऐसा सोचो कि वो मेरा क्लाइंट है, ऐसा सोचो वो मेरा बिजनेस है, और उनकी कीवर्ड रिसर्च आप करो, ठीक है। स्टार्टिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, बोरिंग भी लगेगा, लेकिन धीरे धीरे जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी और आपको बहुत मज़ा आने लगेगा। सो इसीलिए कीवर्ड रिसर्च करते रहो, प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है थ्योरी नॉलेज से ज़्यादा,
ठीक है, सो आई विश यू लक। तो अभी कंप्लीट ये कोर्स चल रहा है SEO का, सो मेक श्योर आप एक भी वीडियो मिस ना करें। और इसी तरह की अगर इंपॉर्टेंट वीडियोज आप चाहते हैं हम आपके लिए लेकर आते रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच।